मैं रामनिवास से आचार्य श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर, आज मैं आपको जॉन लॉक के सामाजिक समझौता सिद्धांत के बारे में बताऊंगा, विचारों का आदान प्रदान करेंगे। तो इसके अंतर्गत जॉन लॉक की राजनीतिक विचारधारा में सर्वप्रथम स्थान उसके सामाजिक समझौता सिद्धांत का है, जिसका वर्णन हम विभिन्न चरणों में इस प्रकार से कर सकते हैं। सबसे पहले लेते हैं मानव स्वभाव की व्याख्या। लॉक के अनुसार मनुष्य स्वभाव से ही एक ऐसा सामाजिक प्राणी है जो पारस्परिक सहयोग, प्रेम, दया और सद्भावना के आधार पर दूसरे व्यक्तियों के साथ संबंध रखते हुए अपना जीवन व्यतीत करता है। लॉक के इन विचारों की पृष्ठभूमि में उनके पिता के स्नेहमय व्यवहार और मित्रों की अच्छाई तथा स्वयं अपनी आँखों से 1688 ईस्वी में इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति, ग्लोरियस रिवॉल्यूशन, या फिर कहना चाहिए रक्तहीन क्रांति को अपने आँखों से देखा था कि किस प्रकार से शांतिपूर्ण साधनों के बल पर एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हो जाता है। तो ये सब उसने देखा था। इससे, इन सब बातों से लोक के हृदय में मानवीय सद्भावना के प्रति निष्ठा उत्पन्न हुई, श्रद्धा उत्पन्न हुई। तो ये मानव स्वभाव जो हाब्स ने बताया था उसके बिल्कुल विपरीत लोक ने व्याख्या की है। प्राकृतिक अवस्था दूसरा इसमें स्टेज आता है, चरण आता है प्राकृतिक अवस्था। लोक ने प्राकृतिक अवस्था को प्रत्येक के प्रत्येक के साथ संघर्ष की अवस्था न होकर शांति, संपन्नता, सहयोग, समानता तथा स्वतंत्रता की अवस्था माना है। लॉक ने लिखा है कि यदि भी प्राकृतिक अवस्था स्वतंत्रता की अवस्था है, तथापि यह स्वेच्छाचारिता की अवस्था नहीं है। यद्यपि इस अवस्था में मनुष्य को अपने व्यक्तित्व या संपत्ति के प्रयोग की अमर्यादित स्वतंत्रता है, पर उसे तब तक अपने आप को नष्ट करने की स्वतंत्रता नहीं है जब तक कि ऐसा करने की आवश्यकता जीवन बनाए रखने के अतिरिक्त किसी अन्य उद्देश्य से न हो। ये लोक ने यहाँ पर स्पष्ट कर दिया। प्राकृतिक अवस्था में मनुष्यों को तीन अधिकार प्राप्त थे, जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। ये तीन प्राकृतिक अधिकार थे और इसी के तहत आज तक हम प्राकृतिक अधिकारों की बातें करते आ रहे हैं, जिसके आधार में ये लोक के प्राकृतिक अधिकारों का हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के रूप में देख सकते हैं। लोक के अनुसार विवेक, विवेक को काम में लाने वाली संपूर्ण मानवता को ये सिखाता है कि क्योंकि सब मनुष्य समान तथा स्वाधीन हैं, अतः किसी को भी दूसरे के जीवन, स्वास्थ्य, स्वतंत्रता एवं संपत्ति को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। ये लोक ने विवेक के आधार पर ये व्याख्या की है। लोक की प्राकृतिक अवस्था इस विवेक जनित प्राकृतिक नियम पर आधारित है कि तुम दूसरों के प्रति वही बर्ताव करो जिसकी तुम दूसरों से अपने प्रति आशा करते हो। अर्थात इसको हम दूसरे प्रकार से भी कर सकते हैं
कि जो व्यवहार तुम अपने प्रति पसंद नहीं करते हो वैसा व्यवहार आप किसी दूसरे के प्रति भी नहीं करेंगे। तो ये प्राकृतिक अवस्था श्रवण युग की अवस्था है डनिंग के शब्दों में। यह पूर्ण सामाजिक अवस्था होने की अपेक्षा केवल पूर्व राजनीतिक अवस्था है। तो इस प्रकार से डनिंग ने अपने शब्दों में सार रूप में इस अवस्था का कोटेशन के माध्यम से इसका एक्सप्लेन कर दिया। अगला चरण है इसका सामाजिक समझौता। प्राकृतिक अवस्था आदर्श अवश्य है किंतु न तो ये व्यवहारिक है और न ही स्थायी। प्राकृतिक अवस्था में व्यक्तियों को कुछ असुविधाएं और कमियों का सामना करना पड़ रहा था जो इस प्रकार थी। नंबर एक, इसमें कोई सुनिश्चित प्रकट एवं सर्वमान्य नियम नहीं हैं जिनके आधार पर उचित अनुचित का निर्णय हो सके। एक तो ये कमी थी, असुविधा थी। दूसरा, इसमें कोई प्रकट एवं निष्पक्ष निर्णायक नहीं है। तीसरा, इसमें निर्णयों को लागू कर सकने वाली शक्ति का अभाव है। इन असुविधाओं के कारण मनुष्य प्राकृतिक अवस्था का त्याग कर समझौते के आधार पर राज्य संस्था की उत्पत्ति करते हैं और इसके लिए मनुष्यों में दो प्रकार के समझौते होते हैं। पहले समझौते के द्वारा प्राकृतिक अवस्था का अंत कर समाज की स्थापना की गई। मनुष्य ये निश्चित करते हैं कि वे अपने संबंध में व्यवस्था करने का अधिकार समाज को देते हैं। परिणाम स्वरूप अब उस कानून के निर्माण का अधिकार समाज का होगा जिन्हें वह मनुष्य के व्यक्तिक और सामाजिक हित के लिए उपयोगी समझेगा। दूसरे प्रकार का समझौता वह है जो समाज के मनुष्य मिलकर शासक व्यक्ति अथवा व्यक्ति समूह से करते हैं तथा जिनके द्वारा राज्य संस्था की उत्पत्ति होती है, जिसके द्वारा राज्य संस्था की उत्पत्ति होती है। यह समझौता एक प्रकार के शासक और शासितों के मध्य है जिससे समाज के द्वारा शासक को कानून बनाने, उसकी व्याख्या करने और उन्हें मनवाने का अधिकार दिया जाता है। लाग के शासक को अमर्यादित शक्ति प्राप्त नहीं है। शासक की शक्ति पर उसके द्वारा निर्मित कानून पर प्राकृतिक नियम के अनुकूल और अनुरूप होने का दायित्व होगा। अर्थात राज्य द्वारा निर्मित, शासक के द्वारा निर्मित कानून प्राकृतिक कानून के विरुद्ध नहीं हो सकता। कहने का अर्थ, प्राकृतिक जो नियम हैं उनके तहत ही, उनके अनुसार ही एक शासक को शासन करना है। तो इस प्रकार से बहुत ही अच्छे शब्दों में सारगर्भित रूप से लॉक ने सामाजिक समझौते के अंतर्गत मानव स्वभाव, प्राकृतिक अवस्था और समझौता, जो दो चरणों में होता है, इसका विशद विवरण किया है। और जो लॉक के विचार हैं प्राकृतिक अवस्था में, जो प्राकृतिक अधिकार बताए हैं, वो आज भी राजनीतिक मूल्यों के अंतर्गत समाज का, पूरे विश्व का मार्गदर्शन करते हैं। इनसे प्रेरणा मिलती है और आज मैं यहीं मेरी वाणी को विश्राम देता हूँ। धन्यवाद।